तो कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्रालय और एनडीएमए ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है। इसके लिए सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है, साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है और फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को फ्रेम करती है। तो लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है और देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अपनी गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। तो कोरोना को हराना है और कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब हम लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालना करें। और इस लॉकडाउन 4 में क्या कुछ गाइडलाइन है इसको भी हम यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तो चलिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एवन टीवी चैनल के हेड अनिल लोढ़ा जी और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अगर बात करें तो क्या कुछ है इस लॉकडाउन 4 में? हमने कम से कम 5 दिन पहले बता दिया था कि लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ेगा, 1 मई तक था, क्षमा करें जी। और ये भी स्पष्ट किया था, लॉकडाउन 3 जब घोषित हुआ उसमें भी हमने 3 दिन पहले घोषणा कर दी थी बिल्कुल कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है और 17 मई तक बढ़ने वाला है। और अभी 31 मई तक बढ़ने की जानकारी भी हमने 1 हफ्ते पहले दे दी थी। और हमने दोनों ही बार ये स्पष्ट भी किया कि छूट क्या क्या मिलेगी। इस बार मुझे लगता है कि ग्रीन जोन के लिए कोई लॉकडाउन जैसी चीज नहीं होगी, सिवाय इसके कि लिमिटेड संख्या में बसें, रेलें, हवाई जहाज चलेंगे, लेकिन ग्रीन जोन को अदरवाइज कोई प्रतिबंध देखना पड़े। बहुत ज्यादा ज्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े शॉपिंग मॉल जी, बड़े समारोह और मंदिर मस्जिद भी हो सकते हैं कि उनमें प्रतिबंध लागू रहे जी, क्योंकि ईद है बीच में जी, ईद पे नमाज पढ़ी जाएगी, वो कैसे पढ़ी जाएगी बड़ा सवाल है। लोग सड़कों पे ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, फिर गले मिलते हैं, तो वो एक बड़ा प्रश्न केंद्र सरकार के सामने भी है, गृह मंत्रालय के सामने है और स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने भी है। दूसरा ये कि रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में सख्ती होगी पूरी जी, ताकि देश कोरोना को पूरी तरह भगा सके बिल्कुल। और वहां पर छूट देने के बारे में सरकार थोड़ा कंजर्वेटिव रुख अपनाएगी जी, और ग्रीन और ऑरेंज रेंज के बारे में, जोन के बारे में सरकार का रुख थोड़ा लिबरल होगा। और दोनों बातें हैं, इकोनॉमी को पटरी पे भी लाना है और कोरोना को भगाना भी है। इसके बीच जो असमंजस से उभरते हुए जी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए खुलेपन की पॉलिसी बनाई जाएगी और रेड जोन के लिए सख्ती का नियम बनाया जाएगा। ये सब अभी कुछ समय बाद गाइडलाइन जारी हो जाएगी और आज रात को जैसा कैबिनेट सेक्रेटरी बात कर रहे हैं राज्यों के मुख्य सचिवों से जी, मेरे ख्याल से वो उसी वक्त जानकारी दे देंगे, उसी वक्त जारी भी हो जाएगी बिल्कुल। अनिल जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर पिछले 7 से 8 दिनों की हम बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने कई मामलों में छूट यहाँ पर दी है लॉकडाउन 4 को लेकर, तो निश्चित तौर पर काफी चैलेंजिंग होगा सरकार के सामने। हाँ, मैं समझता हूँ अब जो चैलेंज है वो लॉकडाउन 1 से बड़ा चैलेंज है जी अब, क्योंकि जब लोग घरों में सिमट गए थे, डरे हुए थे, उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, कोई फैलाने वाला नहीं, तब भी लोगों ने फैला दिया जी। तो अब जब आप काफी इलाकों में खुलेपन की नीति अपनाओगे, लोगों को सड़क पर निकलने दोगे, काम धंधे, मिल, कारखाने चालू करने की इजाजत दोगे, व्यवसाय की इजाजत दोगे, तो इसमें ये तो है ही नहीं कि कोई हजारों लोग चाहिए फैलाने के लिए, एक आदमी हजारों में फैला सकता है। तो ग्रीन एरिया सबसे ज्यादा जोखिम में होंगे जी, क्योंकि वहां पर अगर कहीं से भी घुस आया एक आदमी
और उसने संक्रमण फैलाना शुरू किया तो ग्रीन एरिया ऑरेंज और रेड में बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग होगा लॉकडाउन 4 में। इस वक्त श्रीगंगानगर के हमारे एक मित्र शहर हैं, उनका एक शेर याद करना चाहता हूँ। यह तो हर दौर की मुश्किल है मियाँ, सर उठाना भी है और सर बचाना भी है। ये सरकार की वो परिस्थिति है जी। उसे अपना सर बचाना है कोरोना से, लेकिन सर उठाकर इकोनॉमी को वापस जिंदा भी करना है। तो ये दोहरी लड़ाई है, कोरोना से भी लड़ना है और विषम आर्थिक परिस्थिति से भी जूझना है। इसलिए इस असमंजस के बीच कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। बस डर यही है कि खुलेपन की कोशिश कहीं वापस और बड़ा बंधन न ला दे हम सब पर। बिल्कुल, इस बात का तो हमें ध्यान रखना होगा। और एवन टीवी भी आप दर्शकों से यही अपील करता है कि आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक और हमारे एवन टीवी चैनल के हेड अनिल लोढ़ा जी यहाँ पर जुड़े हुए थे।